दिल्ली से खजुराहो के लिए मिली एक नई स्पेशल ट्रेन और आज इस वीडियो अपडेट पे हम बात करेंगे इस नई ट्रेन के डिटेल्स के बारे में और इस ट्रेन का संचालन कब से शुरू होगा उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो में बढ़ेंगे आगे, उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दिल्ली से खजुराहो के लिए एक नई ट्रेन का संचालन शुरू होगा और इस रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने की बात निकलकर सामने आ रही है। जल्द उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने वाला है। यह ट्रेन दिल्ली से खजुराहो तक चलेगी और इसकी घोषणा पिछले महीने रेल मंत्री ने की थी। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी और देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से शुमार रहेगी और इस नई ट्रेन को चलाने की घोषणा रेल मंत्री ने पिछले महीने ही की थी, जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत बताया। इस ट्रेन से दिल्ली से खजुराहो के बीच झांसी होते हुए चलाई जाएगी और इस ट्रेन से दिल्ली के बाद मथुरा, आगरा, झांसी और खजुराहो जाने वाले पर्यटकों को सीधा सुविधा मिलेगा। यह पर्यटक कम समय में लग्जरी सुविधा के साथ यात्रा कर पाएंगे और दिल्ली से खजुराहो के बीच 600 किलोमीटर की दूरी इस ट्रेन से केवल दो रेलवे स्टेशन पर आगरा व झांसी में स्टॉपेज रहेगा। इस ट्रेन का झांसी से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। हालांकि इस रूट पर अभी तय नहीं किया गया है कि यह ट्रेन कब से चलेगी। हालांकि उम्मीद है कि इसी महीने इस ट्रेन को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ सकती है। छुट्टियों में हिल रेलवे स्टेशन घूमने जा रहे हैं तो इन ट्रेनों का संचालन आपको जल्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा टीकमगढ़ से खजुराहो के लिए भी ट्रेन नई चलाई जा सकती है, जिसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जल्द रिलीज किया जाएगा। खजुराहो टीकमगढ़ पैसेंजर ट्रेन के रूप में एक अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगा और इन ट्रेनों के संचालन के बाद जिला के लोगों को खजुराहो और छतरपुर के लिए भी दिन में दो ट्रेनों की सुविधा मिलेगी। फिलहाल के लिए यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और आने वाली नई ट्रेनों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब।